कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने शहर में ई रिक्शा संचालन के लिए 6 रूट निर्धारित किए, जिसके बाद शनिवार सुबह ई रिक्शा चालकों ने तय रूट के खिलाफ मार्च निकाला। ई रिक्शा चालक विशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में जमा हुए, ई रिक्शा खड़ा कर सड़क पर जमकर हंगामा काटा। रूट तय किए जाने को लेकर ई रिक्शा चालक सुबह एक साथ जमा हुए, इसके बाद रूट का विरोध करते हुए विशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे। इसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने ई रिक्शा चालकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ई रिक्शा चालक तय किए गए रूट को वापस किए जाने की मांग पर अड़े रहे। शहर में कलर कोडिंग व रूट निर्धारित किए जाने की व्यवस्था लागू होने से ई रिक्शा चालकों में विशप मंडल के मैदान में ई रिक्शा जमा करना शुरू हो गया। देखते ही देखते विशप मंडल इंटर कॉलेज मैदान में ई रिक्शा स्टैंड बन गया। इसके बाद ई रिक्शा चालकों ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा। सुनील कुमार शर्मा, सुभाष नगर, हम ई रिक्शा चलाते हैं। समस्या ये आ रही है कि मान लो हमारी किराए की गाड़ी है, किराए का मकान है, और कुछ हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने किस्तों पे गाड़ियां ली हैं, और उनकी किस्त कहाँ से जाएगी। हमें जो रूट दिया गया है वो चौक ले से बरेली कालीस तक का दिया है। चौकी चौराहे को सवारी नहीं जा सकती लेके, और ना ही हम कचहरी आ सकते हैं। अब ये बताओ, ये ऐसा रूट दिया है जिस रूट पे हमें सवारी ही नहीं है। जाए हमारा पंकज नाम है, ऑटो चलाते हैं, मिनी मेट्रो। परेशानी ये आ रही है कि हमें रूट ऐसा दे दिया जहाँ पे कोई सवारी नहीं है। जब सवारी नहीं होगी, जब हमारे पास सवारी नहीं होगी, तो हम अपनी गाड़ी की किस्तें हैं, अपना खाना पीना है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, कहाँ से पूरी करेंगे। सर हमें पूरा रूट दिया जाए, सब जगह रूट दिया जाए।